वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल, आप सभी का स्वागत है मोर लाइफ स्टाइल में। तो आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपना अपना ज़िंदगी में इंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसे कि आज मैं बनाने जा रहा हूँ चीला रोटी, और हम लोग चीला रोटी किस तरीके से बनाते हैं, क्या क्या प्रोसेस रहता है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग चीला रोटी बना रहे हैं आज घर में। हम लोग रात में जो हम लोग का नाइट का जो डिनर है उसके लिए हम लोग चीला रोटी बना रहे हैं। तो हम लोग किस तरीके से बनाते हैं मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास करता हूँ, कोशिश किया हूँ, तो आप लोग देखो और किस तरीके से हम लोग का ये वीडियो है। अभी यहाँ पर ये जो चावल का गुंडा है इसको डाल रहे हैं ये बर्तन में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चीला रोटी, जो कि बोलते हैं हम लोग की भाषा में इसको छिलका रोटी, जो ये हम लोग एक्चुअली मॉर्निंग में नाश्ता में भी खाते हैं, पर हम लोग अभी ये शाम में बना रहे हैं। हम लोग का ये जो लंच होगा, हम लोग का ये डिनर होने वाला है। हम लोग आज डिनर में हम लोग ये खाने वाले हैं चीला रोटी। तो चलो देखते हैं किसको किस तरीके से बनाते हैं। तभी आपने देख लिया ये जो चावल का ये जो गुंडा है इसको हम लोग गुंडा बोलते हैं, तो इससे चावल का गुंडा को लोग बर्तन में डाल दिए हैं। और इसमें हम लोग अभी पानी से इसको मिक्स करेंगे, इसको जिस रोटी बनाने के लिए जैसे डोसा बनाते हैं, आपने डोसा ज़रूर खाया होगा, तो इसी चीज़ का डोसा बनता है, तो डोसा बनाने के जैसे अभी इसमें हम लोग पानी मिक्स करेंगे और थोड़े स्वीट के लिए थोड़े शुगर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हम लोग इसको इसका जो रहता है इसको प्रिपेयर करेंगे। तभी इसमें हम लोग जो स्वाद के अनुसार जितना हमें मीठा स्वीट चाहिए उतना अनुसार हम लोग अब इसमें शक्कर डाल दिए हैं, वो आप और टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम लोग थोड़ा स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिए हैं। अभी इसके अंदर अभी हम लोग पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अभी आप देख सकते हो ये पानी बर्तन से ले लिए हैं, जिसे लोटा बोलते हैं, उसमें से पानी डाल रहे हैं और इसको मिक्स कर रहे हैं अच्छी तरीके से। अभी आप देख रहे हो मिक्स होना स्टार्ट हो गया है। इसको हल्के हल्के पानी के द्वारा डाल रहे हैं और मिक्स कर रहे हैं। आप इसे देख सकते हो ये काफ़ी अच्छी तरीके से मिक्स हो रहा है और इसको हल्के हल्के पानी डाल करके मिक्स कर रहे हैं। एक्चुअली इसमें जो रहता है उड़द का दाल डालते हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से ये जो सॉफ्ट बनता है, पर हम लोग इसमें उड़द का दाल तो नहीं डाले हैं, पर इसमें जो हमारे यहाँ जो मॉर्निंग का राइस बच गया था, जो चावल, उसको हमने इस पीस करके इस पर डाल दिया है, ताकि हम लोग का जो रोटी बनने वाला है जो छिलका रोटी वो बहुत ही सॉफ्ट बने और अच्छा बने। मैं आप लोगों को बना करके दिखाऊँगा जो बनेगा तो, कि ये किस तरीके से बनता है और कितना सॉफ्ट रहता है। और आप इधर देख सकते हो कि इधर आग हम लोग का रेडी हो गया है बनने के लिए, जो कि अभी ये हम लोग का आग तैयार हो गया है और इस पर हम लोग बनाएंगे चीला रोटी। अभी आप देख सकते हो कि हम लोग का ये किस तरीके से रेडी हो गया है, ये आप देख सकते हो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है ये, और इसको हम लोग अभी उधर तेल लग गया है और इस पर लदा हुआ है तई। तो अभी हम लोग इसको किस तरीके से बना रहे हैं आपको दिखाता हूँ मैं। तो फाइनली हम लोगों का ये टोमेटो चटनी तैयार हो गया है, आप देख सकते हो ये टोमेटो चटनी। तो हम टोमेटो चटनी निकालते हैं, और हमने जो पहले बनाया था जो चीला रोटी, तो इसके साथ हम लोग आज खाएंगे चीला रोटी। तो मैंने ये कटोरी पे ले लिया है, आप देख सकते हो ये रहा ये कटोरी पे, और ये रहा हमारा चीला रोटी। हम चीला रोटी भी ले लेते हैं, आप देख सकते हो कितना बढ़िया बना है ये। तो ये रहा हमारा चीला रोटी, आप देख सकते हो ये काफ़ी सॉफ्ट है, आप देख सकते हो ये, और इसको छिलका रोटी भी बोलते हैं, आप देख सकते हो ये काफ़ी सॉफ्ट है। मैं अभी खाता हूँ फिर आप लोग से मिलता हूँ, ये जो काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट है किस तरीके का है आपको बताऊँगा। तो